Hi everyone, welcome to the RM Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. This is Mohit Kumar Singh, your EVS teacher. Today, now I'm going to discuss about lesson name is Keep and Clean, Keep Clean, and also lesson is 10. बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि गुड हैबिट्स क्या होते हैं, कुछ क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए। तो आप लोगों को मैंने कल बताया था और जो आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा या था सुनो, तो मैं आप लोग से चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग अपने तरफ से बताते कि गुड हैबिट्स क्या होते हैं क्लीनिंग के। फर्स्ट गुड हैबिट्स क्या होते हैं बच्चों, बोलो। हाँ बिल्कुल सही, हमें क्या करने चाहिए, टॉयलेट्स जाने के बाद उस टॉयलेट्स को फ्लॉशिंग कर देना चाहिए वाटर से, जिससे क्या हो जाए, साफ हो जाए। अगर मान लो साफ सुथरे होंगे तो आप लोगों को ऐसे गांवों में कहा जाता है कि जहां पे साफ सफाई रहते हैं वहीं देवी देवता हमारे गॉड्स अल्लाह या हमारी गॉडेस जो विद्या की गॉडेस से शडिस की गॉडेस जो है हमारी सरस्वती वहां भी वास करती है, मानना जाता है। और ये भी तो है कि क्लीनिश रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी अगर स्वस्थ रहते हैं हमारा शरीर, तो हमारी मानसिकता भी क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी, हमारा ब्रेन भी स्वस्थ रहेगा, हमारे अंदर जो थॉट आएंगे, विचारधाराएं आएंगी, वो कैसी आएंगी, तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। हमारे मनोमस्तिष्क में नकारात्मकता नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, हम बिल्कुल क्या रहेंगे बच्चों, तो सकारात्मक रहेंगे, अच्छे थॉट्स रखेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़े पढ़कर बड़े आदमी बनेंगे। जनरली कहा जाता है पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, बात ये सही है कि इंसान जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, जिस मनुष्य में स्वस्थ ब्रेन वास नहीं करता है, जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, वो आदमी ही नहीं कहलाता है, जानवर कहलाता है। आदमी होने के बावजूद भी बच्चों वो क्या होता है, एनिमल्स के जैसे, एनिमल्स जैसे मैं आपको बता दूं कि बच्चों एनिमल्स जो होते हैं उनकी क्या काम, खाना पीना सोना, यही ना काम है। वैसे ही मनुष्य क्या भी तो यही है, खाना पीना सोना। लेकिन फिर जानवरों से मनुष्य अलग क्यों हो जाते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है ना, क्या डिफरेंस होते हैं, हाँ तो मनुष्य क्रिएशंस के मालिक होते हैं, नए नए क्रिएशंस करते हैं, इनके पास थॉट्स होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, वो थिंक कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव ये सारा सोच सकते हैं, नई नई चीजों को निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इसी के आधार पे ना एनिमल से मानव को अलग किया गया है, थिंकिंग के आधार पे कि वो सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, नई नई चीजों को क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन एनिमल नहीं कर सकते इसलिए उन्हें। लेकिन अगर मानव भी इन सारे कामों को अगर नहीं करे, सिर्फ खाए सोए पड़े रहे, इधर उधर बिना मतलब का घूमते रहे, तो मानो नहीं फिर वो भी जानवर ही हो जाता, समझ रहे। इसलिए हमें बच्चों क्या करना है, बिल्कुल क्लीनिंगनेस रहना है, साफ सुथरे रखना है अपने आप को, और साफ सुथरे रख के अपने माइंड्स को, ब्रेन को डेवलप करना, पॉजिटिव थॉट लाना है, जिससे हम अपने आप में क्या कर सके, आदमी बन सके, मानव बन सके। तो वो कैसे होगा, तो पढ़ने के बाद, पढ़ाई कब होगी, तो हमारे अंदर क्लीनेस रहेंगी, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी ना सब कुछ करो कि किसी दिन आप बीमार पड़ जाओ, बहुत गर्मी है बच्चों, आज सब कुछ करो आप किसी दिन बीमार पड़ जाओ, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि आप ऐसा हो। लेकिन जिस दिन अगर बीमार पड़ जाते हो, फीवर वगैरह आ जाता है, उस दिन आप क्लास करने जाते हो, नहीं करने जाते, क्यों, क्योंकि आप उस दिन अस्वस्थ रहते हो, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अगर आप ऐसे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, क्लीनेस की कमी, आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हो, ऑन टाइम खाना नहीं खाओगे, ऑन टाइम प्लेइंग नहीं करोगे, धूप में ही प्लेइंग करना शुरू कर दोगे, यानी समय से जो काम नहीं हो पाता है, इसके कारण हमारे शरीर क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। अगर वही आप स्वस्थ रहते हो, तो स्वस्थ रहते हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हो, डेली स्कूल जाते हो, करते हो या नहीं करते हो, बिल्कुल करते हो, तो वो आपके डेवलपमेंट हुई ना। अगर एक दिन एब्सेंट हो गया स्कूल, तो स्कूल मिस कर गया तो क्लास छूट गया, फिर आपके डेवलपमेंट उतना, वो जो है आपका तो सर ने क्या समझाया क्या पढ़ा आपको नहीं सुने,
ये जाएंगे हम अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, उसको मेंटेन कर लेंगे, लेकिन सुन तो नहीं पाएंगे ना। इसलिए आपको हमेशा अपने आप को क्लीननेस रखना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि क्लीननेस जो होता है हमें क्या करता है, अवे फ्रॉम फ्री फॉर डिजीज है, ये क्या रखता है, बिल्कुल डिजीज से, बीमारी से दूर रखता है और फ्री रखता है, मुक्त रखता है, ठीक है। इसलिए मैं इस चैप्टर को आप लोगों को प्रिपेयर करवाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, रीडिंग करा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। निकालिए पेज नंबर आप 49 लेसन 10 कीप क्लीन, ओके। ऑल ऑफ अस नीड टू कीप आवरसेल्फ क्लीन। मैंने पहले ही लिखा था कि सब किसी को क्लीनिंग की क्या होती है, जरूरत होती है साफ सफाई की। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ आवर बॉडी कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीज एंड जर्म्स। हमें हमेशा अगर क्या करते हैं, क्लीननेस करते हैं, तो हमें क्या रखता है, बीमारियों से दूर रखता है, जर्म से भी, कीटाणुओं से भी दूर रखता है। क्लीन बॉडी, जैसे देखते हो ना किसी किसी बॉडी में क्या हो जाता है, छोटे छोटे दाना निकलने आता है, वो क्यों होता है, तो जर्म्स के कारण होता है। अगर साफ सफाई रखोगे डेली, सोप विथ वाटर, स्नान करोगे साबुन से वगैरह से, तो क्या हो गया, आपकी बॉडी में किसी प्रकार की स्किन डिजीज नहीं होगी, बिल्कुल फ्री रहोगे स्किन डिजीज से। A clean body help us in being active and healthy। एक स्वस्थ शरीर जो होता है व्यक्ति को क्या बना के रखता है, बिल्कुल एक्टिव बना के रखता है, सक्रिय बना के रखता है, हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट, वी मे फॉल सिक इफ वी आर नॉट क्लीन। अगर आप अपने आप को क्लीन नहीं करते हो तो आप क्या हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हो। आगे चलिए, दिस इज हाउ वी क्लीन आवर बॉडी, या कैसे अपने बॉडी को वॉश कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा, वॉश दैट डर्टी, डर्टी को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, डर्टी मीन गंदी चीज को, कचरे को साफ करना चाहिए। जैसे मान लो कि बाहर निकले गाड़ी में, देखते हो ना अभी धूल धूल कर, जब गर्मी का मौसम बहुत सारे धूल पार्टिकल्स उड़ते हैं और हम जाते हैं, तो पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, भर जाता है धूल पार्टिकल यानी धूल, फिर उसको वो डर्टी हो गया ना, शरीर हो गया, कपड़े भी हो गए डर्टी हो गए, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट, वॉश दैट स्वेट्स, स्वेट्स इट मीन्स स्वेट्स जो होता है बाबू, ये हिंदी में जनरली कहा जाता है इसको पसीना। जैसे मान लो अभी जो गर्मी हो रहा है, ठीक है ना, पसीना निकल रहा है गर्मी से, तो ये हमारी बॉडी से क्या निकल रहे होते हैं, स्वेट्स निकल रहे होते हैं, पसीने निकल रहे हैं, ये हमारी बॉडी के क्या होते हैं, जो मतलब वेस्ट मटेरियल होते हैं शरीर से, हमारे मान लो शरीर के अंदर, जैसे हम लोग शरीर से ऊपर से वॉश वेस्ट कर लिए, स्नान कर लिए, बिल्कुल हम क्लीन हो गए, लेकिन आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को वॉश किए नहीं कर पाए, तो उसको वॉशिंग कौन करता है, तो हम पानी पीते हैं, पानी पीते हैं तो क्या होता है, पानी पीने के बाद बॉडी अंदर पार्टिकल्स, सारे बॉडी के पार्ट्स क्या हो जाते हैं, क्लीन होते हैं, यूरिनेशन के थ्रू वो निकल जाते हैं बाहर। फिर साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या गर्मी भी आता है तो स्वेट्स निकलते हैं, तो स्वेट्स के थ्रू हमारे शरीर के अंदर के जो वेस्ट होते हैं, कचरे होते हैं, वो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इंटरनल कैसे वॉश होता है, तो हमने जो शरीर के इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे वॉश होते हैं, तो हम लोग पानी पीते हैं उसके थ्रू, ठीक है, स्वेट्स के थ्रू। लेकिन बाहरी जो है, बाहर का है, कहीं कचरा का गंदगी लगे, तुरंत वॉश कर लिए, सही हो गया बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रब द बॉडी। अब बॉडी को स्नान भी करो तो स्क्रब भी करते, मान लो स्वेट निकला, स्नान क्या है, पानी गिरा लिया और बस हो गया, नहीं, उसको सोप लगाइए, स्क्रबिंग कीजिए, नहीं जैसे ये बच्चा कर रहा है, देखो हाथ में स्क्रबिंग सोप लिया, सोप लेकर स्क्रबिंग कर रहा है। स्क्रब द हेड, अपने हेड को भी स्क्रब कीजिए, बिहाइंड द ईयर्स, अराउंड द नेक, इन फोल्ड्स ऑफ द स्किन, कान का, जैसे मान लो कि अपने हेयर को स्क्रब करना, ऐसे ऐसा हम करते हैं ना, या ऐसे ऐसा पूरा स्क्रबिंग करना होता है, फिर से ये कान के पास, कान के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ स्क्रबिंग कर सके हम, वहाँ वहाँ क्या करना चाहिए, अपने बॉडी को स्क्रबिंग करके क्लीन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, ये बोला है इन फोल्ड्स ऑफ स्किन, स्किन के फोल्ड पे, जहाँ जहाँ फोल्ड है ये सब, ठीक है, या इसकी दरार, ये फिंगर्स के भी इंटरनल टू बिटवीन द टू फिंगर्स, फिंगर्स के बीच वगैरह भी ये सब, तो जहाँ जहाँ वे हो सके उन लोगों को क्या करना चाहिए, स्क्रबिंग करके क्लीनिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, दैट्स वेयर यू चिक बिटवीन द फिंगर्स, बिटवीन द टोज, अंडर द आर्म्स एंड लेग्स, अराउंड द नोज, कर रहे क्या, बिटवीन द फिंगर्स, फिंगर्स के बीच, बिटवीन द टोज, उंगली जो है ना, हमारे पैर की उंगलियाँ जो होती है उनके बीच की, साथ साथ अंडर द आर्म्स एंड लेग्स, ये सब पूरा
लेग्स वगैरह आर्म्स ये सब हो गए आपके, ये सब पूरे क्या करना चाहिए, वॉशिंग करनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए अराउंड द नोज, नोज के आसपास हो जाएंगे, आंख के आसपास में होते हैं, पूरे शरीर हो गया, ठीक है। यानी अपने शरीर को, अपने बॉडी को सारी तरह से, सारी जगह से उनको क्या कर लेना चाहिए, उनको क्लीनिंग कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए कि कहीं भी किसी प्रकार की जर्म्स ना रहे उस पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नो वन लाइक्स टू सी अ डर्टी फेस और डर्टी हैंड्स। बिल्कुल सही है, क्या कोई भी व्यक्ति पसंद करता है अपने आप को गंदे रखना? नहीं। बच्चे हैं तो बच्चों लोग जो टीनेजर है, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो वो तो धूल में ही खेलते हैं, उनकी बात ही अलग है क्या। फिर मम्मी, उसके मम्मी या पापा उसको, फिर या भाई बहन उसको वॉशिंग करने का, क्लीनिंग करने का काम करते हैं। लेकिन आप तो बड़े हो ना उनसे, आप तो इस चीज को कर सकते हो। तो यही बोल रहा है कि नो वन लाइक्स, कोई पसंद नहीं करता है गंदा रहना। सी अ डर्टी फेस और डर्टी हैंड्स, कोई पसंद नहीं करता है अपने फेस को डर्टी दिखाना या डर्टी देखना या डर्टी हम अपने क्या बोलते हैं हैंड्स को, हाथों को। फॉर्म ए हेल्दी हैबिट्स टू क्लीन आवर क्लीन ऑल योर बॉडी पार्ट्स। करें हैवी हैबिट्स में, अभी मैंने लिखवा था हेल्दी हैबिट्स वगैरह आपके बारे में, उसके बारे में। तो हेल्दी हैबिट्स का मतलब ये होता है कि अपने पूरे बॉडी को क्या करके रखना, वॉश करके रखना। यहाँ पे यही बोला, फॉर्म ए हेल्दी हैबिट्स टू क्लीन ऑल योर बॉडी पार्ट्स। मतलब हेल्दी हैबिट्स में, अच्छी आदत में, स्वस्थ आदत में हमें क्या करना चाहिए, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को क्लीन करके रखना चाहिए। थोड़ा सा एक मिनट का ब्रेक पाओ लेते हैं, थोड़ा सा प्यास लगा पानी पी लें, ठीक है। बहुत इसके बच्चों हमने बोला था आप लोगों को भी पानी पीने जब गया हम तो बता के गया था आप लोगों को कि क्या होना चाहिए हमें। यानी हेल्दी हैबिट्स में हमें अपने आप को क्लीन करके रखना चाहिए। और वो हेल्दी हैबिट्स क्या है, तो मैं ऑलरेडी आपको क्लीनिंग्स के कुछ हेल्दी हैबिट्स बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले क्लास में, कि हमें क्या करना चाहिए। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईयरबड्स के बारे में मैंने बताया था, कान को साफ करने के लिए। ये सारे कान हो गए, नाक हो गए, आंख हो गए, हमारे नाजुक पार्ट्स होते हैं, दांत हो गए, अगर ये खराब हो गए तो हम जल्द से जल्द बूढ़े भी हो जाएंगे। और दूसरी बात कि ये इम्पोर्टेंस होते हैं, ये सेंस ऑर्गेन सेंसिंग का काम करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गेन होते हैं। कान अगर ईयर हो गया तो कोई बात ही नहीं सुनाई पाएगी, सुन नहीं पाएगा आदमी, तो फिर जब सुन नहीं पाएगा तो क्या उनको रिस्पॉन्ड करेगा, क्या उनको जवाब देगा। इसलिए हमारे इम्पोर्टेंस बात में ये है कि अपने कानों को ईयरबड्स के बारे में बताया, तो कर्टन से साफ करो, वो भी हल्के, यानी कि कान में ईयरबड्स भी और अंदर तक दबा दिए तो वो क्या करेगा, नुकसान करेगा। इसलिए हमें क्लीनिंग तो करना चाहिए अपने, लेकिन क्लीनिक्स की कुछ हमारे एक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो, उस एक्टिव पार्ट्स को हमें ध्यान पूर्वक क्लीनिंग करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ हैबिट्स दिए थे, उसको जरूर आप लोगों ने याद किया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्स इस नेक्स्ट बिफोर द क्लासेस। नेक्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट काम की छोड़ दिया था बाबू। हाँ, एज अ क्लीन पर्सन, एज अ क्लीन पर्सन यू विल स्टे हेल्दी एंड फाइन। कह रहा है कि क्लीन पर्सन जो होता है, एक साफ सुथरा जो व्यक्ति होता है, यू विल स्टे हेल्दी एंड फाइन, वो अवश्य होगा हेल्दी और अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। अगर क्लीनिंग पर्सन है, अपने आप को बिल्कुल क्लीननेस हैबिटेट्स का पालन कर रहा है, उस सारी बातों को फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल स्वस्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और अच्छा भी होगा। वी मस्ट वॉश आवर फेस एंड हैंड्स विद सोप एंड वाटर एंड dry it was a clean towel। अब यहाँ ध्यान दो, बोला है कि we must, हमें अवश्य wash our face, हमें अवश्य अपने face को क्या करना चाहिए, wash करना चाहिए, hands को wash करना चाहिए, लेकिन किससे, तो with soap and water, साबुन और पानी से, and dry it with, और उसके बाद सुखाना चाहिए किससे, तो towel से, clean towel। जैसे मान लो कि अगर आप लोग ने क्या किया, हैंड्स को साफ कर लिया, फेस को साफ कर लिया, तो पानी पूरा भर जाएगा ना, और वो भी साबुन से। क्यों साबुन? मान लो कि हाथ, जैसे हम लोग हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते नेक्ड आई से, यानी बिना चश्मे का हम लोग या बिना माइक्रोस्कोप का हम देख नहीं पाते,
कभी देखना बाबू घर में क्या होगा। घर में जब वो आपके वेंटिलेटर वगैरह एयर कंडीशनर होता है ना ऊपर में, वेंटिलेटर हो गया या दरवाजे जंगले हो गए, विंडोज हो गया, उससे जब रोशनी अंदर आएगी तो देखना बहुत सारे धूल पार्टिकल दिखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब होता है, लाइट जब स्कैटर करता फैलता है, तो वेंटिलेटर से जो हल्की सी रोशनी अंदर घर में आती है या तुम्हारे विंडो से आते हैं, देखना बहुत सारे धूल पार्टिकल होते हैं उसमें, ध्यान देना थोड़ा सा, तो वो सारे धूल पार्टिकल उसमें दिख रहे होते। तो ऐसे हमारे इन्वायरमेंट में यार सारे जहाँ भी हैं सारे धूल पार्टिकल, तो वो सारे बैठेंगे जर्म्स ना, आपके हैंड्स बैठेंगे, फेस बैठेंगे, बॉडी बैठेंगे, जनरली बॉडी पे कपड़े बैठेंगे तो कपड़े को क्लीन कर लो, स्नान भी कर सकते हो। तो अगर ये सारे डस्ट बैठते हैं और आप वैसे ही अपना भोजन कर लेते हो, जैसे मैंने बताया था ना कि वॉश योर हैंड्स आफ्टर मील एंड बिफोर मील, खाने के पहले और खाने के बाद जरूर हमें क्या करना चाहिए, हैंड्स को वॉश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे धूल पार्टिकल्स बैठ जाएंगे तो वो खाओगे तो फिर वो अंदर बैक्टीरिया अंदर जाएगा, वो आपको नुकसान करेगा। इसलिए अपने हाथों को या अपने फेस को साफ करना चाहिए, किससे? तो साबुन से, पानी से तो ऐसे हम साफ कर लेते ठीक है वो, लेकिन अगर बेटर से वॉशिंग करना है तो क्लीनिंग बेटर रखना है तो साबुन से, क्लियर। और उसको करने के बाद अपने जो अपने फेस को या वो क्या बोलते हैं हैंड्स को वॉश करने के बाद फिर क्या डर्टी टॉवल से, गंदे टॉवल से धो रहे हो तो फिर वही बात रहा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्लीन टॉवल, एकदम साफ टॉवल जो भी वॉश करके रखा गया हो घर में, ठीक है उसे, नहीं तो गंदे टॉवल से फिर वही बात आ जाएगी, अगर गंदा से हमने साफ किया अपने आप को क्लीनिंग किया और फिर अपने आप को गंदे ही कर लिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो क्लीनिंग टॉवल से क्या करना चाहिए, टॉवल नहीं टॉवल, ठीक है टॉवल से उसको वॉश कर लेना, फिर ड्राई कर लेना, सुखा लेना, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलूंगा डे 15 में और इसके आगे आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे।